बार कर रहा हूँ मैं भी कैमल राइड, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ भाई। ये अपना भाई जो है सम सेंटोन डेजर्ट है और भैया राइड करा रहे हैं। भैया हाथ हिला दो एक बार, कैसे हो? अपना जहाज भाग चुका है, ये देखो भाई खुद मजा आ रहा है, देख भाई। फिलहाल भाई अपनी जो है सामने आप देख सकते हैं, अपनी जो है सफारी राइड करने के लिए थार आ चुके, अपनी जो है सफारी जिप्सी भी कह सकते हो इसको। भैया आ जाना फुल एडवेंचर कर। बिल्कुल, मैं भाइयों को बोलूंगा सभी को बैठ के चलना। हाँ नहीं, खड़े रहे ना तो गाड़ी पलटी खाएगी। अच्छा अच्छा, नहीं रास्ता नहीं है सीधे। अच्छा अच्छा, पहाड़ों पे चलेंगे, ठीक है। ओ भाई, भाई ओ भाई, ओ हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप सभी दोस्त मैच होंगे। तो दोस्तों आप सभी को भाई सबसे पहले तो भाई जय श्री राम, राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, हाजिर हो चुका हूँ गाइस आप सभी के लिए एक और न्यू ब्लॉग और न्यू कंटेंट लेके। जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो नेक्स्ट ब्लॉग है, हम जो अपना ब्लॉग पार्ट टू है वो स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस मैं अपना। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं अपना ये भाई गोल्डन फोर्ट है, अपना जो है सोने का किला भी बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं यार इसको, ठीक है। और यहाँ का जो वेदर है ना गाइस, अभी के टाइम जो है अपना, अगर आप आ रहे हो अगस्त में, तो सीज़न इतना प्यारा है, वेदर अच्छा है, हर जगह आपको ना बारिश ही दिखेगी, देखो, ठीक है। तो अभी मैं गाइस यहीं पे खड़ा हूँ अपना होटल सनराइज फोर्ट के पास। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और भैया से आपको जैसे मैंने बताया कि मिलवाता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ पे क्या प्राइजेज है और बाकी जगह भी हमें ना पता करेंगे यहाँ पे जो अपने और भी होटल हैं, तो जो बेस्ट होगा ना वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। मैं काफ़ी सारे आपको है ना रुकने के स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अभी हमने आगे भी पता करा था कई सारी मतलब कि जो अपने होटल्स हैं। फिलहाल भाई हमें यही समझ आया अपना होटल सनराइज फोर्ट, तो फिलहाल मैं अंदर लेके चलता हूँ और भैया से मिलवाता हूँ जो यहाँ के ऑनर है। हेलो भैया, कैसे हो? आपका गुड नेम क्या है भैया? अच्छा, छोटू जैसलमेर, क्या बात है भाई। देखो हम जैसलमेर आए हैं और भैया के नाम में ही है ना, अब मतलब सरनेम कह सकते हो आप, जैसलमेर जुड़ा हुआ है। तो भैया आप है ना हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो अगर कोई यहाँ पे आता है मेरी वीडियो के थ्रू आता है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे स्टे के लिए क्या ऑप्शन है और क्या एक्टिविटीज़ होती है, तो आप एक बार समझा दीजिए। सर ऐसा है कि यहाँ रुकने के लिए तो सिटी में तो अपना होटल है सनराइज फोर्ट, हाँ जी, व्यू में अच्छा होटल है, 3 स्टार होटल है, ठीक है। डेजर्ट में अपना कैंप भी है, वहाँ पूरा कल्चर प्रोग्राम का पैकेज रहता है। अच्छा। जिसमें जीप सफारी है, कैमल सफारी है, वेलकम है, इवनिंग चाय नाश्ता है, कल्चरल प्रोग्राम है, डीजे पार्टी है, वहाँ राजस्थानी डिनर रहता है, बुफे सिस्टम, जो प्रॉपर राजस्थानी खाना रहता है, दाल है, बाटी है, चूरमा है, राइस है, चपाती है, और फिर वहाँ रुकने के स्विस टेंट रहते हैं, ठीक है, वॉशरूम है टेंट के लिए, फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रहता है, फिर वहाँ डेजर्ट की एक्टिविटी ये चीज़। अच्छा अच्छा, ये क्या पूरा पैकेज है? अच्छा पूरा पैकेज। अगर भैया जैसे कि मान लो कोई फैमिली के साथ आ रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा है, तो एक बार जो कॉम्बो पैकेज होता है फैमिली के साथ आ रहा है, तो वो उसका प्राइस का रहने वाला है पैकेज का, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदा आ रहा है, अकेला आ रहा है, तो उसका क्या डिफरेंस रहेगा मतलब दोनों में? सिंगल बंदा तो सर शेयरिंग में रहेगा। हाँ जी, और जो फैमिली के साथ है तो उनको पर्सनली जीप मिलता है। तो सिंगल बंदा जो शेयरिंग में रहेगा उसका क्या प्राइस पड़ेगा? ये तो प्राइस तो सर वो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आज का है दीपावली पे आता है, न्यू ईयर पे डिपेंड करता है, बाकी जो फैमिली आती है उनको तो फिर पर्सनली जीप। तो फिर भी एक अगर मैं आपसे पूछूं प्राइस क्या रहता है फिर भी? जैसलमेर पूरा घूमने में 5 से 6 हज़ार रहता है। अच्छा, अगर अभी सीजन में आ रहा है तो सीजन में ये मान लो 8-10 हज़ार सीजन सिंगल बंदे। अच्छा, आप अगर एक बार थोड़ा सा अपना वो पिक्चर्स दिखा सकते हो कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं? तो दोस्तों मैं अभी है ना भैया जैसे आपको बता ही दिया है कि क्या इनका कॉम्बो पैकेज रहता है, अगर इंडिविजुअल आ रहे हो आप या फैमिली के साथ आ रहे हो, तो इनकी एक बुकलेट है, तो आपको मैं वो दिखा देता हूँ, इस पर लिखा भी हुआ है। भैया एक बार फ्रंट दिखाना इसका, ये तो हाँ, तो भाई ये देख सकते हो इस पर भाई मोबाइल नंबर भी लिखा है, ये आपके नंबर है क्या भैया? नहीं, ये बड़े भाई साहब। अच्छा, बड़े भैया का, ये भाई इनके बड़े भैया ही हैं, ठीक है, इनसे मैं अभी बात करवाऊँ आपकी। और ये भाई इनका जैसलमेर का पूरा सामने है। अच्छा अच्छा, वो गाइस मैंने दिखाया था ना गोल्डन फोर्ट, तो वो इसमें मेंशन है, ये देख सकते हो। और ये कुछ सिटी की झलक है, हवेली है, ये देख सकते हो, और ये हॉन्टेड विलेज हो गया, ये वहाँ का डेजर्ट का कैमल सफारी। अच्छा, तो गाइस यही है जो भैया बता रहे थे, कैमल सफारी होती है अपना, और जो जीप सफारी है, तो वहाँ का डेजर्ट है जो रियल एडवेंचर चीज है। अच्छा अच्छा, पूरा मिनी दुबई की तरह, ठीक है।
ये सनसेट व्यू रहता है दोस्तों, ये सनसेट व्यू हो गया इसमें। और अपना ये भाई ये वेलकम है, अपना कल्चर है जो यहाँ का। अच्छा, ये नाइट व्यू है कैंपिंग का। अच्छा, ये रात का कल्चर प्रोग्राम है भाई। यहाँ पर डांस आप एंजॉय कर सकते हो अपना जो डिनर करते हैं उसके साथ, ठीक है। तो भाई ये इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, ग्रुप डांस है, ये वहाँ का डिनर सिटिंग है, ठीक है। ये वहाँ का रुकने का टेंट है भाई, देखो आपको ना लग्जरी टेंट अवेलेबल है वहाँ पे, डबल बेड मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अपना जो अटैचमेंट है इसमें, जो वॉशरूम वगैरह है, तो फुल आपको है ना सफारी है। अच्छा, ये जिप सफारी है, ये पूरा मिनी दुबई घुमाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये जितनी भी शूटिंग है बनी, और भाई जितने भी अपने जो सेलिब्रिटीज है ना, अपने हीरो हैं हीरोइन है भाई, आप देख सकते हैं शूटिंग भी हुई यहाँ पे अपने बजरंगी भाईजान मूवी की। तो ये सारी कुछ पिक्चर्स हैं जो यहाँ पे अपना अपने जो कलाकार हैं सेलिब्रिटीज है वो यहाँ पे आए हैं और स्टे किया है। तो बस गाइज, आपको मैंने देखो बुकलेट भी दिखा दी, भैया से मिलवा दिया, उनसे सारी डिटेल्स बता दी कि अगर आप आ रहे हो तो भाई काफ़ी बेस्ट है, इनके यहाँ पे आप विजिट करें। तो ये इनका गाइज कार्ड है, इस पर आप इनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है और इनकी एक ईमेल वेबसाइट वगैरह भी है। तो और लोकेशन आपको मेंशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा। भाई हमारा जो प्लान है ना, हमारा प्लान है यहाँ से सीधा अपना कुंद्रा विलेज होते हुए सीधा डेजर्ट में जाएंगे, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। तो हमारा कुछ ये प्लान है। तो बस फिलहाल क्योंकि यार होटल में तो देखो मोस्टली हम रुकते हैं, तो भाई कैंपिंग का अलग मज़ा है। तो अपने भाइयों के साथ चलते हैं यहाँ से कैंपिंग करने। और ये गोल्डन फोर्ट दिखाई दिया भाई, भैया इसका थोड़ा सा कुछ बताना। ये सब गोल्डन फोर्ट है, पूरा लिविंग फोर्ट है, अंदर 25,000 पब्लिक रहती है। अच्छा ठीक, पूरा लिविंग फोर्ट है। पहले तो खाली, तो यहाँ से पूरा व्यू अच्छा से दिखता है, पूरा व्यू अच्छा। अच्छा अच्छा, और ऊपर जाते हैं तो पूरी सिटी दिखती है। अच्छा ठीक है, अंदर लोगों के रिवाज है, अंदर रहती है, छोटी मोटी होटलें भी है, छोटे रेस्टोरेंट भी है। ऊपर देखने लायक एक राजा का महल है, रानी का महल है, ठीक है, और एक म्यूजियम। चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू भैया। यहाँ से हम निकल रहे हैं अपना डेजर्ट में कैंपिंग करने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं, जो डेजर्ट में जा रहे हैं वहाँ पे कैंपिंग करने। तो वहाँ का जो ओवरऑल डिस्टेंस है ना अपना सनराइज होटल से लेके वहाँ तक का, वो अपना 42 किलोमीटर, तो एक घंटा दिखा रहा है, बाकी देखते हैं भाई कितनी देर में पहुँचते हैं। और बारिश का तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे। अगर आप इस सीज़न में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे बारिश ज़रूर मिलेगी, और मतलब प्यारा वेदर है यार, मतलब घूमने लायक ना, बादल भी देख सकते हो, व्यू है ना बहुत प्यारे प्यारे। फिलहाल भाई अभी हम यहाँ पे रुके हैं भाई के पास, अपना ये हाईवे पे एक दुकान है, यहाँ पे अपना पकोड़े वगैरह खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी देर से भाई भूख लग रही है, और रात को हमने बस चाय वगैरह मैगी वगैरह ली थी, अब यहाँ पे बस ब्रेड पकोड़े खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। यहीं पे बैठे हम सारे के सारे, चाय लेंगे ब्रेड पकोड़ा, फिर वहाँ से सीधा निकलेंगे अपना डेजर्ट की ओर। भाई अपने मिर्च के पकोड़े आ चुके हैं, ये देखो भाई यहाँ पे ना कई जगह पानी इतना भरा हुआ है, डाइवर्जन लगा हुआ है, और रास्ते भी है ना पूरा पानी से भरे हुए हैं। देखो नज़र नहीं आ रही रोड, इधर की साइड भी देखो भाई। अब हम सोच रहे हैं कि जहाँ पे हम जा रहे हैं ना डेजर्ट में, तो भाई जिस हिसाब से बारिश हो रही है ना, तो भाई पता नहीं एक्टिविटी वगैरह एडवेंचर हम कर पाएंगे कि नहीं, बाकी तो भाई मौसम के ऊपर है, लग नहीं रहा भाई वैसे। देखो दोस्तों, हम लोग भाई पहुंच चुके हैं अपने जो डेजर्ट में, मतलब कि जहाँ पे हम कैंपिंग करने वाले हैं। तो भाई यही है अपना सोरेस्ट डेजर्ट रिजॉर्ट, ठीक है, यहीं पे हम रुकने वाले हैं। जो भैया ने भाई यहाँ का हमें जो है नंबर दिया था, कह रहे थे आप है ना यहाँ पे रुक जाना, तो भाई यही है अपना जहाँ पे हम कैंपिंग करने वाले हैं, आज रात को स्टे करने वाले हैं। और सामने भाई आपको डेजर्ट दिख रहा होगा, वहीं पर हम जो है जिप सफारी करेंगे और कैमल राइड भी, ठीक है, दोनों वहीं करने वाले हैं। और अंदर से एक बार मैं आपको इंटीरियर दिखा दूँगा बस यहाँ पे ना, ये देखो भाई बारिश तो इतनी हो रही है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बारिश का पानी भरा हुआ है। और ये कुछ कैंप है भाई, और कैंप में भी आपको बता दूँगा एसी नॉन एसी है ना अपना अलग अलग है, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। हमने तो भाई एसी वाला लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको भाई झूला वगैरह झूलना, तो आप झूला भी झूल सकते हैं। देन आपको भाई यहाँ पे टॉयलेट्स की भी फैसिलिटीज़ है, वॉश बेसिन वगैरह है। और यहाँ पे ही रात को है ना जो अपना कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, डांस वगैरह, वो वहीं पे होने वाला है। अगर भाई बारिश जैसे अभी तो रुक चुकी है, ठीक है, तो अभी के हिसाब से अगर जैसे अगर रात को भी ऐसा ही मौसम रहा तो वहाँ पे होगा, नहीं तो है ना भैया कह रहे थे शायद हॉल में होगा किसी अंदर। तो चलिए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अंदर, और अपना जो भाई कैंप है अपना जो
जहाँ हम स्टे करने वाले हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये अपना जो कैंप है जहाँ पे हमने स्टे किया है, तो भाई ये अपना 205, ठीक है, इसी रूम में हम जो है मतलब रुकने वाले इसी कैंप में हैं। तो भाई आपको अंदर से जो है कुछ इस तरीके का इंटीरियर मिलेगा। और अभी तो गाइस लाइट गई हुई है, भैया कहते हैं लाइट आ जाएगी तो आप फ़ैन वगैरह चला लेना। और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे ना आपको कूलर वगैरह वाला अगर कैंप करना है तो भाई कूलर भी अवेलेबल है। तो हमने तो भाई एसी वाला लिया, तो यहाँ पे एसी लगवाया। और रात को भाई यहाँ पे ना जैसे लाइट अगर ना भी हो तो जनरेटर वगैरह से यहाँ पे हम है ना यूज़ कर सकते हैं। ये अपना सोफ़ा है भाई, और ये अपना डबल बेड, और साथ ही आपको ना ये भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, ये भी मिल जाएगा आपको। और ये अपना ब्लैंकेट वगैरह है यहाँ पे बैठने के लिए ना, सिटिंग वगैरह के लिए ये मिल जाएगा। और सामने भाई आपको मिरर दिख रहा होगा, ये मिरर है यहाँ पे, और ये आपको चार्जिंग के सॉकेट मिल जाएंगे। और भाई ये कुछ इस प्रकार का वॉशरूम है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई सही है यार, ऑलमोस्ट है ना जिस हिसाब से मतलब कि आप है ना स्टे आराम से कर सकते हो, कंफर्टेबल। तो अभी टाइम हो रहा है भाई 2:50, हम लोग भाई यहाँ पे अपना कैंप में आ चुके थे। आपको जैसे मैंने बताया भाई कैंप ही दिखाया, हम आ गए थे यार लगभग अपना वही लगा लो 2-3 घंटा पहले, मतलब आप लगा सकते हो अंदाज़ा। तो हम भाई 1.5 घंटा सो लिए थे क्योंकि रात भर से सफ़र कर रहे हैं, मतलब 7:30 से 8 बजे सुबह पहुँचे हैं, तो काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करके आए, तो मतलब थकावट से हो गई थी। तो यार मतलब देखो पूरी नींद तो होने वाली है नहीं अगर हम सो भी जाएँ तो। फिलहाल भाई अब थोड़ा फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, मतलब ठीक है, मैंने भी भाई चेंज कर लिया अपना। तो फिलहाल अभी यहाँ से भाई अपना सोच रहे हैं हम निकलने की अपना डेजर्ट की साइड, ठीक है, वहाँ पे अपना देखते हैं भाई जिप राइड वगैरह या कैमल राइड करते हैं। और यहाँ पे भाई रात को जो है अपना होने वाला डांस शो, ठीक है, अगर बारिश नहीं आई ना तो यहीं पे होगा, नहीं तो भैया कह रहे हैं कि शायद है ना वहाँ पे अंदर होने के चांस है। तो फिलहाल देखते जैसा भी रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ना आपको खाने पीने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ना भैया जैसे बना रहे हैं अपना आपको मैगी वगैरह या फिर भाई किसी को कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी लेना है तो आप ले सकते हैं। तो फिलहाल बस अब यहाँ से रवाना होने का टाइम हो चुका है। जो है ना रिजॉर्ट से भाई अभी बाहर की साइड आए हैं अपना मेन रोड की साइड। और भाई इस जो डेजर्ट को मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस डेजर्ट का नाम है सनसेट डाउन डेजर्ट, ठीक है। ये भाई यहाँ की शान है, रिफ्लेक्शन है अपना जैसलमेर की। और अभी हमने भाई गाड़ी यहीं पर लगा दी है, सारे भाई लोग यहीं पर आ गए हैं। और अभी BSA में बात कर रहा था अपना, अपना कैमल राइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और भाई आपको दिख भी रहे होंगे कितने सारे कैमल। आप लोग भी अगर कैमल राइड करना चाहते हैं ना तो भाई यहाँ पे आ सकते हैं सम सेंटोन डेजर्ट पे, ठीक है। और ये भैया यहाँ पे, हेलो भैया कैसे हो आप? अच्छा अच्छा, हाँ नहीं ये तो है यहाँ पे कैमल राइड। तो भैया आप ये बताओ जैसे यहाँ पे अगर कोई आता है तो मतलब पर पर्सन का क्या चार्ज है और ग्रुप में आ रहा है? अच्छा कितने पॉइंट से जैसे टू? अच्छा अच्छा, मतलब हर पॉइंट के हिसाब से उसका चार्जेस है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे वैसे कौन सा मौसम बेस्ट रहता है अगर बंदे आ रहे हैं तो घूमने के लिए? अच्छा अच्छा, तो दोस्तों फिलहाल भैया से मैंने आपका इंट्रोड्यूस करा ही दिया है, ठीक है, आप भी आओ भैया से मिलो, ठीक है, थैंक यू भैया। अब तुम्हारा भाई कैमल राइड करने वाला है भाई, फर्स्ट टाइम भाई एक्सपीरियंस करूँगा। और भाई मेरा भी जो है ना जैसलमेर का है ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आपको जो भी एक्सपीरियंस करा हो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। और ये रे भाई पीछे अपने भाई लोग तो बैठ चुके हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये भाई जितेंद्र बैठ गया अपना, ठीक है, और अपना आयुष भाई सुनील। तो अब फिलहाल भाई मैं भी बैठता हूँ और भाई आपको एक्सपीरियंस करके बताऊँगा कैसा लगा। तो भैया मेरे जो है गाइडर है, ठीक है, कैसा लग रहा भाई? ओके चलो गाइस बैठते हैं भाई। पहली बार कर रहा हूँ मैं भी कैमल राइड, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ भाई। ये अपना भाई जो है सम सेंटोन डेजर्ट है और भैया राइड करा रहे हैं। भैया हाथ हिला दो एक बार, कैसे हो? अच्छा पहले हम कौन सा पॉइंट कवर करेंगे? अच्छा सनसेट पॉइंट। तो गाइस अभी फिलहाल हम पहले जा रहे हैं भाई सनसेट पॉइंट, ठीक है। और फिलहाल भाई आज सन तो निकला नहीं है तो, लेकिन सनसेट पॉइंट देखने जा रहे हैं बस, क्योंकि भाई बारिश का मौसम है तो आपको पता है भाई सन तो हमारे जो सूरज ज़्यादा वो तो निकले ही नहीं है आज, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं और भाई अपने भाई लोग आ गए हैं, तो चलिए भाई आपको सारी चीज़ें कवर करूँगा। भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा भाई रेगिस्तान, देखो भाई यहाँ से भाई व्यू देखो भाई कितना प्यारा है, ये देखो भाई गजब लग रहा है, देखो भाई नीचे देखो भाई मेरे वाला अरे मुझे लग रहा मेरे वाला घेरना थे। हाँ भाई लाडले
क्या हाल है? बढ़िया स्वाद आ रहा है जहर। अभी है ना भैया कह रहे हैं रेस लगाते हैं, अभी भैया रेस करा रहे हैं कैमल राइड से, ठीक है। ये देखो गाइस इनके वाला भी देखो यार अपना जहाज भाग चुका है, ये देखो भाई खुद मजा आ रहा है देख। हाँ भाई हेलीकॉप्टर अपना यहाँ का कैमल नहीं, यहाँ का जहाज है हेलीकॉप्टर, तो मजा आ रहा भाई सही बता रहा हूँ। बहुत अच्छा एक तो वेदर भी है, अगर आ रहा है यहाँ पे सम सैंडून डेजर्ट पे, अगर किसी को कैमल राइड करनी है तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, तो आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि मैं स्क्रीन पे डाल दूँ सभी के लिए। क्या दोबारा बोल छोटे। अच्छा तो गाइज आपने सुन लिया होगा, छोटा सा प्यारा सा अपना भाई है, ठीक है, ये यहाँ पे ही मिलेगा आपको, और मैं नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। आपका गुड नेम क्या है बेटा? अच्छा मोहम्मद खान। तो भाई यहाँ पे आना, ठीक है, ये सभी भैया यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा यार, थैंक यू सो मच अगेन सभी को। अपना कैमल राइड तो पूरी हो चुकी है, अब फिलहाल चलते हैं भाई जीप सफारी करने, और मैं बता रहा हूँ अपनी जीप वगैरह तो चलते हैं भाई मजे करेंगे। जो है सामने आप देख सकते हैं अपनी जो है सफारी राइड करने के लिए थार आ चुकी है, अपनी जो है सफारी जिप्सी भी कह सकते हो इसको। तो भैया वो आ रहे हैं, ठीक है, अभी भैया से भी मैं मिलवाता हूँ आपको। तो भाई लोग चढ़ चुके हैं, अभी हम कैमल राइड करके आए थे वहाँ से डेजर्ट से, और फिलहाल इसमें अपना जाएंगे भाई फुल एंजॉय करेंगे। तो यही भैया जो हमें जिप सफारी कराने वाले हैं। हेलो भैया कैसे हो? अच्छा आपका गुड नेम क्या है? सलीम खान। अच्छा सलीम खान भैया, जैसे कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है तो आपको जैसे कॉन्टेक्ट करे तो आप अपना नंबर बता दीजिए। गाड़ी का RTC सफारी है 6377322699 नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर। हाँ जी ना कैंप भी है राजस्थान डेजर्ट कैंप, कभी भी आइए। अच्छा ठीक है तो भाई एडवेंचर करने के, अरे बिल्कुल भैया भी आज अच्छा है। हाँ भाई मैंने आपको बताया ना यहाँ पे बादल अच्छे हैं, क्लाउड है ना, मौसम अच्छा है, तो भैया आ जाना फुल एडवेंचर कर। बिल्कुल मैं भाइयों को बोलूंगा सभी को बैठ के चलना। हाँ नहीं खड़े रहे ना तो गाड़ी पलटी खाएगी। अच्छा नहीं रास्ता नहीं है सीधे। अच्छा अच्छा पहाड़ों पे चलेंगे। ठीक है ठीक है भैया, जहाज बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है, मजे आएंगे। ठीक है तो चलो गाइस चल, यहाँ से हम निकल चुके हैं अपना सफारी राइड करने के लिए, और ये देखो भाई व्यू देखो भाई यहाँ का, भाई मौसम है ना बहुत प्यारा है, और ये देख सकते हैं गाइस आप यहाँ पे, मतलब बारिश का है ना, मतलब वेदर अलग ही है, और ऐसे सीजन में गाइस है ना मजा ही आता करने में, कैमल राइड हो चाहे अपना सफारी राइड। मैं अभी पीछे बैठा था, ठीक है, आगे आ चुका हूँ क्योंकि भाई मेरे को देखो ब्लॉग भी बनाना है, ठीक है, और पीछे ना जगह मेरे को मतलब स्पेस देना नहीं मिल रहा था। तो भैया क्या करने वाले, पहले कहाँ जाने वाले? भाई ये देखो व्यू देखो आप, है ना सामने भाई पूरा रेगिस्तान अपना, भाई मजा आ रहा फुल। वो वाली खिलाड़ी है भाई भैया तो कहते हैं एडवेंचर करवा रहे भाई खतरनाक। ये देखो भाई गाइस, ओ भाई साहब नीचे, ओ भाई साहब भाई पकड़ के रखना भाई तो भैया कुछ कहना चाहोगे हमारे और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो भाई मेरी वीडियो के थ्रू जो आ रहे हैं तो भैया का कॉन्टैक्ट नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, भाई का ये वीडियो दिखा देना मेरा। हाँ तो भाई आप सुन सकते भैया जो कह रहे हैं, और मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, तो बस भाई यहाँ पे अपनी जो है ना सफारी जो गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। भैया ने बोला कि यहाँ पे अपना फोटो वगैरह ले लो, अपना है ना वीडियोस वगैरह बना लो गाइज, यहाँ पे इतना अच्छा व्यू पॉइंट है ना, आप अपनी रील्स वगैरह बना सकते हो, फोटो ले सकते हो। बाकी एक भैया यहाँ पे हैं, मतलब भैया इसको क्या कहते हैं मेरे हिसाब से शायद ATV बाइक राइड, तो गाइज इसको भाई ATV बाइक राइड बोलते हैं। तो ये भैया जैसे पर पर्सन के हिसाब से क्या प्राइस रहता है? 2 जने का 1500। अच्छा अच्छा 4 किलोमीटर का पूरा।
अच्छा अच्छा, तो गाइज अगर आपको ये करना है ना अपना एटीवी राइड, तो नहीं आप ये भी कर सकते हैं, पर बस अगर आपको बताइए दो लोग अभी यानी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और मैं अभी ये देख रहा हूँ भाई, मैं तो अभी थोड़ा भैया से बात कर रहा था, अपने भाई लोग पता नहीं कहाँ आगे निकल गए, अभी देखता हूँ भाई वो कहाँ गए हैं। ठीक है, और मतलब है ना बारिश है ना स्टार्ट हो गई, मतलब यहाँ पे है ना गाइज मतलब अपना दिल्ली से भी ज़्यादा बारिश हो रही है मेरे को तो ऐसा लग रहा है, पर मौसम काफ़ी अच्छा है। और ये देखो भाई बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे ना, ये देख सकते हो आप कैमल राइड करने के लिए, काफ़ी अच्छा वेदर है, पूरी फुल एडवेंचरस एक्टिविटी हो रही है, फुल मज़े कर रहे हैं वहाँ पे, देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको। और फिलहाल भाई अभी एक भैया से बात करिए ईटीवी राइड के लिए, और अभी हमारे दो भाई गए हैं उस पर राइड करने, ठीक है अभी हम लोग भी जाएंगे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है उनके आने के बाद हम चलेंगे, तो उन्होंने भाई हमें थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा बेस्ट प्राइस दे दिया है। ठीक है, तो फिलहाल भाई देखो जहाँ पे आपको बजट टूर हो सकता है ना और सही कॉस्ट मिल सकते हैं वहीं पे मैं आपको बस दिखाता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ, जैसे कि आप सभी को मालूम भी है। तो दोस्तों अपनी ईटीवी राइड आ चुकी है ये रही, ठीक है तो बस अब इस पे निकलते हैं अपना राइड करने के लिए। आई लव जैसलमेर भी दिख रहा है, वो भाई हाई कर रहा है, हेलो भाई हेलो, तो वहाँ पे भाई आई लव जैसलमेर लिखा है, यहाँ पे आप फोटो वगैरह सेल्फी क्लिक करा सकते हैं अपना, अगर आप कपल्स के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप फोटो क्लिक करा सकते हैं। ठीक है भाई बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है, और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोगों ने ना अपने नाम वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और भाई अभी मैंने ना यहाँ पे लिखा था अपने चैनल का नाम, तो भाई ये अपना चैनल है, ठीक है ट्रैवल विद निशांत, मैंने यहाँ पे अपना भाई डाल दिया है। ठीक है, जो लोग भाई यहाँ पे आए आई होप यार ये यहाँ पे आपको मिले, बाकी वैसे तो मुश्किल है। और वो है साउथ मूवी के, अच्छा साउथ मूवी से मूवी का नाम अच्छा नहीं आता। और जो जेठालाल एक सीरियल आता है उसमें भी कुछ दिखाते ना बॉर्डर पार, जो चले गए जो पार निकल जाते हैं वो यहाँ के रिजोर्टों के अंदर रुका हुआ है। अच्छा अच्छा, ये जो प्लेन ट्रैकिंग है ना प्लेन ट्रैकिंग, ये जो भेड़ बकरी के साथ सलमान भाई बैठता है ना, ये जगह पूरा है बजरंगी भाईजान नन्हे जैसलमेर पोखरण परमाणु रेफ्यूजी वाइट मूवी, जितनी भी मूवी बन के जाती है प्री वेडिंग का शौक हो किसी चीज के शौक हो तो यहाँ पर इसी ट्यून से। अच्छा, और वो सामने वाला गांव है वो वाइट गांव मिर्ची शहर वाला सामने, अच्छा देख लो गाइस भैया ने इतनी सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया, तो भाई ये ना मतलब यहाँ की मेन रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे मेन यहाँ पर क्या 2014 के बाद सलमान खान की मूवी बनने के बाद ये यहाँ पर अच्छा ज्यादा लोग आने लग गए। अच्छा अच्छा, इंडियन के लिए, बाकी पहले फॉरनर आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गाइस आप लोग भाई यहाँ पे जरूर विजिट करो। ठीक है, जैसा कि भैया ने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है और मैंने भी दी, मतलब मेरे से भैया ने दे दी आपको इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आओ और एंजॉय करो। मैं फिलहाल अपने रूम पे आ चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे यार आज है ना डीजे नाइट का प्लान भी था जो आपको ये स्टेज दिख रहा है, और अपना डीजे नाइट के साथ साथ अपना कल्चरल प्रोग्राम जो होता है डांस वगैरह सब कुछ होने वाला था, तो इस बारिश को देखते हुए तो भाई मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। डेजर्ट में मस्ती करी, जो एक्टिविटी करी अपना, ये जो अपना राइड वगैरह करी आपने ओवरऑल देखा होगा, तो भाई आप लोग भी यहाँ पे आओ और मज़े करो, अपना कैमल राइड हो गया, GTA राइड हो गया अपना, ठीक है, और हमने जो डेजर्ट सफारी करी, इन्फॉर्मेशन का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा उनका कॉन्टैक्ट नंबर और स्क्रीन पे जैसा कि मैंने बताया। अब फिलहाल भाई अपना बारिश तो हो रही है तो मुझे लग नहीं रहा है कि होगा, तो फिलहाल वहाँ पे चलता स्नैक्स टाइम में, तो देखते हैं स्नैक्स में क्या है और उसके बाद फिर अपना देखते हैं डिनर वगैरह, तो बाकी का मैं ना आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या होने वाला है ना भाई। कल्चरल डांस है ना स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, जो यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम है अपना जैसलमेर का राजस्थान का, तो भाई बाहर तो बारिश ज़्यादा हो रही है तो भाई डीजे नाइट तो होना इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे इन्होंने ना अरेंजमेंट किया हुआ है अंदर,
और ये हॉल है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना सारे बंदे बैठे हुए हैं जितने भी यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं। तो सभी यहाँ पे है ना, अभी स्नैक्स वगैरह भी भैया बता रहे हैं थोड़ी देर में लग जाएंगे। अपनी भेलपूरी भी आ चुकी है भाई। स्नैक्स में है ना, इन्होंने चाय और भेलपूरी दी, चाय तो मैंने पी ली है, तो ये भेलपूरी है। अब इसके बाद अपना यहाँ पे है ना डिनर वगैरह लगा रखा है, तो फिलहाल भाई अपना डिनर एंजॉय करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ भाई क्या क्या यहाँ पे खाने में जो है वैरायटी यहाँ पर स्पेशल, जो जैसलमेर राजस्थान का स्पेशल खाना हुआ है, इसमें दाल है और ये पता नहीं भाई क्या है, इसका नाम मेरे को नहीं पता, ये आलू की सब्जी है। और इसमें गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भाई यहाँ की कढ़ी है, और इसमें अभी भाई रोटी ख़त्म हो गई, शायद रोटी या पूरी है। हम लोग भाई सारे खाना खा के आ चुके हैं। आपको गाइस मैंने आज के व्लॉग में भाई आई होप यार आपको मजा आया होगा, सारी एक्टिविटीज़ एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह ओवरऑल मतलब सारी मैंने एक्सप्लोर करी आपको। तो भाई अब थकावट हो चुकी है और भाई सभी है ना खाना खा के सो चुके हैं ऑलमोस्ट, कुछ लोग अभी भी जगे हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ सबके कैंप के यहाँ पे, ठीक है। तो बस फिलहाल भाई इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं भाई कल के व्लॉग में। और कल के व्लॉग में गाइस क्या स्पेशल होने वाला है, कहाँ हम जाने वाले हैं अभी फिलहाल कुछ डिसाइडेड नहीं है। और ये भी आपको मैंने बताया था कि हमारा रैंडमली प्लान बना और बस निकल गए। तो आपको मैंने दिल्ली से अपना जो जैसलमेर है वो कैसे कवर करा, हमने वो सारा चीज़ें एक्सप्लोर करी आपको। और नेक्स्ट व्लॉग में मैंने आज के व्लॉग में आपको दिखाई दिया कि क्या क्या हमने आज जो एक्टिविटीज़ की अपना जैसलमेर सिटी में। तो बस अब कल के व्लॉग में मिलते हैं, और यहाँ से कल भाई कहाँ जाने वाले हैं कल ही आपको पता लगेगा। तो बस करते हैं समाप्त इस व्लॉग को, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और बाकी भाई जो चैनल पे नए हैं भाई काफ़ी मेहनत लगती है भाई व्लॉग कवर करने में, तो बस सपोर्ट दिखा देना। बाकी भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूरी। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टाटा एंड बाय।